हेलो गाइस, तो आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मोजीटो घर पे, वो भी बहुत ही सस्ते में, क्योंकि ये मोजीटो आपको रेस्टोरेंट पे बहुत ही महंगे मिलते हैं, 200-400 करीब मिलते हैं। और हम लोग तो ले लेते हैं मिडिल क्लास फैमिली, पर लेकर बहुत अघरता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। इसको घर पे बनाएंगे बहुत ही सस्ते और बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैं 6 टाइप के आपको मोजीटो शेयर करूँगी। उसमें सबसे पहले ये वाटर मेलन है, तो वाटर मेलन को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। उसके बाद इस ग्लास में ऐड कर दी हूँ। उसके बाद अदरक के छोटे टुकड़े मैं इसमें 2 ऐड, उसके बाद ऐड की हूँ 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद शुगर पाउडर, आप शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, और पुदीना के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेना है, किसी भी ऐसे मैसर से जो अच्छे से मैश हो जाए। आप बेलन से भी कर सकते हैं, बेलन से भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग बर्फ़, तो 4-5 चम्मच डाल दी। उसके बाद इसमें स्प्राइट ऐड करेंगे जब तक गिलास फुल नहीं हो जाए। उसके बाद इसको गार्निशिंग कर देंगे पुदीने के पत्ते और ये वाटर मेलन के स्लाइसेस से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल गिलास को बना देगा। और आपके घर कोई गेस्ट आएंगे तो इस तरह से सर्व करेंगे, तो वो मोजीटो तो पियेंगे ही खुश होकर, गिलास देकर भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो कैसी रही ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अभी रुकिए, ऐसी और अभी 5 रेसिपी बाकी है आपको देखने के लिए। इन सभी में से कोई भी आप ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और कौन वाली रेसिपी आपको मोजीटो की सबसे अच्छी लगी वो भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ग्रेप्स वाला मोजीटो, तो ग्रेप्स के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने 5 चम्मच इस गिलास में ऐड कर दिए, छोटे टीस्पून है। उसके बाद यहाँ पुदीना के पत्ते, काला नमक, शुगर पाउडर, उसके बाद काली मिर्च का वही 4 चुटकी डाल देना है। उसके बाद इसको भी अच्छे से मैश कर देना है। तो ये वाला स्टोन का मैसर है, तो आराम आराम से इस तरह के मैसर से मैश करें, क्योंकि हमारा गिलास कांच का है, फूट ना जाए ज़ोर से करने से। तो इसमें मैं डाल दी हूँ बर्फ़ अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इस तरह से जो ग्रेप्स का हार्ड बना के गिलास पे लगा दी हूँ, जिससे आपका गिलास और भी ब्यूटीफुल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ गिलास फुल होने तक मैं स्प्राइट ऐड की ऊपर से गार्निशिंग कर दी हूँ ग्रेप्स से, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए ग्रेप्स है। उसके बाद पुदीना पत्ते, इसके बाद थोड़ा सा अच्छे से सेक कर लेना है इस तरह से मिक्स करते हुए। आप स्ट्रॉ लगा के इस तरह से सर्व करें तो हमारे मोजीटो ग्रेप्स वाला कितना ही देखने में तो ब्यूटीफुल लग रहा है, पीने में भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसको भी ज़रूर से ट्राई करके कमेंट में बताइएगा ग्रेप्स वाले मोजीटो कैसे थे। तो यहाँ 3rd मोजीटो स्टार्ट हो गया है बनना, तो छोटे छोटे कुकुम्बर के पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए, लेमन के स्लाइसेस, छोटे अदरक के टुकड़े, छोटे लेमन के टुकड़े। उसके बाद यहाँ पर काला नमक मैं ऐड की 1/2 टीस्पून करीब, और 1 टेबल स्पून करीब शुगर पाउडर ऐड करेंगे, और 4-5 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद इन सभी को अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप शुगर पाउडर आप जो नॉर्मल चीनी को मिक्सर के जार में पीस लें तो आपका शुगर पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल दिया है और स्प्राइट डाल के यहाँ हमारा कुकुम्बर वाला मोजीटो बन के रेडी हो गया है। खीरे वाले मोजीटो के लिए थोड़ा सा मोजीटो को अच्छे से मिक्स कर दें तो अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने गार्निशिंग कर दिए छोटे छोटे खीरे कटे हुए और पुदीना पत्ता और खीरे के स्लाइसेस से। तो जनाब अब हम लोग बनाएंगे अपने स्कूल के फेवरेट फल अमरूद से मोजीटो। तो यहाँ मैंने पक्के अमरूद के बड़े बड़े पीसेस करके इसको कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद कम तीखी रेड चिली पाउडर और अदरक का 2 छोटा छोटा टुकड़ा, लेमन का 2 छोटा टुकड़ा और लेमन के स्लाइसेस, और इसमें थोड़ा ज़्यादा शुगर पाउडर जाएगा तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, और काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद काला नमक, ये सब डाल के मैंने साइड कर लिया है। और इसका गिलास को डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने कम तीखी मिर्च और नमक ले लिया है एक बाउल में। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको साइड करते हुए यहाँ गिलास पे लेमन लगा देना है, इस तरह से लेमन को घस देना है। और उसके बाद इस गिलास का उल्टा मुँह इस तरह से करते हुए हम इसमें डीप कर देंगे चिल्ली और नमक में, तो ये अच्छा सा जो है गिलास पे एक जो है डिज़ाइन बन जाता है। गिलास को सेट करके मैंने साइड कर दिया है, और खरल में ये अमरूद के साथ जितने मसाले थे उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इन सभी को आप मिक्सर के जार में भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने गिलास में बर्फ़ डाला है 1/2 गिलास, उसके बाद ये अमरूद का पेस्ट ऐड कर देना है 3-4 टीस्पून करीब। उसके बाद एकदम चिल वाटर इसमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारा अमरूद का फ्लेवर पानी में मिक्स हो जाए।
उसके बाद छोटे छोटे अमरूद के पीसेस से गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ दो मैं लेमन के स्लाइसेस भी ऐड की और पुदीना का पत्ता। तो यहाँ हमारा अमरूद वाला मोजीटो भी बनकर रेडी हो गया है। मुझे पता है लास्ट टाइम मैं जब एरम का बर्थडे में गई थी और मोजीटो ली थी, तो ये नॉर्मल सा मोजीटो मुझे 100 का पड़ गया था, वो भी आज से 2-3 साल पहले। तो अभी इसका रेट डबल हो गया होगा। यहाँ मैंने शुरू कर दिया है मोजीटो, वो भी मिंट वाले। तो यहाँ मैंने खरल में डाल दिया है बहुत सारा मिल्ट, अदरक और छोटे छोटे पीसेस लेमन की। इसको बहुत अच्छे से रस कर लेना है। आप सेम प्रोसेस मिक्सर के जार में डाल के पीस भी सकते हैं, पर ये जो इस तरह से बनाते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैंने गिलास में लेमन के 3-4 स्लाइसेस और पुदीना पत्ता, बर्फ और स्प्राइट डाल के यहाँ हमारा मिंट वाला मोजीटो बनकर रेडी हो गया है। आप इसमें स्प्राइट नहीं ऐड कर रहे हो तो चिल वाटर और सोडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तब आपको शुगर सिरप या शुगर पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ मैंने गार्निशिंग कर दिया है पुदीना के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस से। ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज मोजीटो, तो मैं आपको शेयर करने वाली थी ओरिजिनल ऑरेंज से, तो मुझे मार्केट में कहीं ऑरेंज मिला नहीं, पर घर पे पड़ा हुआ मुझे मिल गया ये मैंगो का सिरप जो ऑरेंज कलर का दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दी ये वाली रेसिपी मोजीटो की। जेली वाले चॉकलेट ऑरेंज के थे तो मैंने गिलास पे लगा दिया है। तो ये हमारा ऑरेंज का ही समझ लीजिए मोजीटो है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं किया है, वो सिरप डाला मैंगो वाला, उसके बाद बर्फ डाल के लेमन के पीसेस ऐड कर दिए, उसके बाद पुदीना पत्ता, और उसके बाद मैंने इसमें स्प्राइट ऐड करके यहाँ हमारा जो है ऑरेंज वाला मोजीटो या मैंगो सिरप वाला मोजीटो बनकर रेडी हो गया है। तो आप सभी इनमें से कौन सा मोजीटो ट्राई करना चाहेंगे और कौन सा ट्राई किया है, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और मेरी रेसिपी को देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये मोजीटो की महंगी वाली रेसिपी सस्ते में घर पे आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करिएगा कि मेरी वीडियो की रीच आगे बढ़ सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।